Of course, assalamualaikum and assalamualaikum Pakistan. Assalamualaikum Jhang, kaise hain aap sab bhai, hope sab kya sab theek thaak fit fat hain, hamesha ki tarah se muskurate hue live ko dher sara chill maar rahe honge. और हाँ जी, हाँ, इस इंतजार में होंगे कि मैंने आना है, सो मैं आ चुका. थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरा इंतजार किया और जिन लोगों ने नहीं किया थे, कोई गल नहीं जनाब, पाकिस्तान में मसले थे, जल्द से होंगे रहेंगे. और इसके साथ एक और बात, आज आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. आज आपको लगता है, हाँ जी हाँ, आज आपको लगता है कि पाकिस्तान मैच विन करेगा. जी हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर विन करेगा. बस काली जुबान वाले अपनी जुबान बंद रखें, उनसे गुजारिश होगी कि प्लीज आप ऐसी वैसी कोई बात मत कीजिएगा. पाकिस्तान के लिए अच्छा अच्छा सोचिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा अच्छा कहिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा अच्छा बोलिए. हाँ जी हाँ, आप मिस्टर पाकिस्तान के किसी भी कोने किसी भी शहर से सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. माय नेम इज एलान ताहिर, कॉल मी बोर मिस्त्री, कॉल मी बोर चेंजर, 105.9 लाइव स्टूडियो से आपका मेरा साथ चलता रहेगा 6 बजे तक. हाँ जी हाँ, आपका और मेरा साथ चलता रहेगा 6 बजे तक. इस दौरान होंगी ढेर सारी बातें, डेडिकेशन पैगाम और साथ साथ में हम मैच भी इंजॉय करेंगे आज. और आज हम बात करेंगे कि जब हम बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं शादी के बारे में, तो उसके लिए भी आज का कुछ टॉपिक यही होगा कि हमें शादी जल्दी कर लेनी चाहिए या लेट कर लेनी चाहिए. शादी के लिए परफेक्ट एज क्या है, शादी के लिए परफेक्ट एज क्या है, कौन सी होनी चाहिए, 18, 20, 25, 30 या फिर 30+. बातें होती रहेंगी इसके ऊपर, डेफिनेटली होती रहेंगी, लेकिन क्योंकि अभी इससे हमने प्रोग्राम का आगाज किया है और मैं चाहता हूं कि आपके लिए कुछ अच्छा अच्छा प्ले करूं आज. मैं मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है ये गाना. पहले मैं जब ये सुन रहा था अकेले में, तो मैंने सोचा कोई तो हो जाना चाहिए प्ले, और अगर किसी स्पेशल के लिए प्ले कर दिया जाए तो और भी अच्छा है. जब आप बहुत ज्यादा नाराज होते हैं खास तौर पे हमसे कि हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, हो जाता है कभी कभी, इंसान बिजी भी होता है बहुत ज्यादा, तो करना पड़ता है यार. जस्ट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना इंतजार किया. और ऑल राइट, बातें होती रहेंगी, प्रोग्राम भी चलता रहेगा. 4:14 पाकिस्तान का बिहारी वक्त, और मुझे ऐलान ताहिर कहते हैं, आई डोंट नो कि आपको क्या कहते हैं, जानेंगे हम आपसे आपकी जुबानी में. लेकिन उससे पहले गाना एंजॉय कहते हैं, गाना सुनिए, गाने के बाद फिर से मेरे साथ रहिएगा. ऑल राइट, वेलकम बैक वंस अगेन. Once again, welcome back for 20 past 10. My name is Ellaan Tahir, Kobe Poor, Mr. 105 Love Studio. Say thank you so much. Mast Malang Chakitai. Or, jaisa ki maine aapse pucha tha, song se pehle jaate hi hue, ki shaadi ke liye perfect age kya honi chahiye? Ladke aur ladki ki, aapne mujhe batana hai aur acha acha batana hai, bilkul bura bilkul nahi bolna. Hota hai ki walidain jo hote hain, wo is intezaar mein hote hain ki unka jo bacha hai, बच्चा है जो उनका बेटा है या उनकी जो बेटी है, कब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं. सो ये सोच भी होती है वालदेन की, अच्छी सोच है, होना चाहिए कि इंसान अगर कुछ करने के लायक हो जाए और घर को संभालने के लायक हो जाए तब जाके उसकी शादी कर देनी चाहिए. लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं हमारे पाकिस्तान में जहां पे बच्चों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, 16-17 साल में, 18 साल में. तो आपकी नजर में आप क्या कहते हैं कि लड़के और लड़की के लिए शादी की परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए, आप मुझे बताएंगे. आज ही आज लिखेंगे, स्पेसेंगे और अपने मैसेज को सेंड करेंगे 4-4-7-1 पर. और इसके अलावा और टॉपिक भी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा आज, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको गाना सुनाऊंगा अपनी तरफ से और मैच का भी हाल वाल लेते रहेंगे साथ साथ. थैंक यू सो मच. और ये मलंग, मैं इसको आप BGM रखता हूँ यार, और ये गाना मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगा, ये वाला रौनक इश्क निर्मल रॉय की आवाज में है. और उम्मीद है कि आपको ये गाना बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा. ना भी आए तो कोई गल नहीं जनाब, बस इकड़ा थोड़े को पैसे लेने, मुफ्त ही सुन रहे हो. ऑल राइट, 4:24 मोहब्बत का हो जाना और मोहब्बत का ठहर जाना, मोहब्बत का हो जाना और मोहब्बत का ठहर जाना, दोनों ही जानलेवा होते हैं. वेलकम बैक फॉर 24 past. और अभी हम बीजिंग की तरफ जाएंगे. और जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक और टॉपिक भी है मेरे पास जो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा.
इज 4 to 5 पास्ट और एक गाना सुनेंगे हम और गाने के बाद लौट के आते मेरे साथ ही आसिम सर हाय गम ना हो कोई खुशी मैं तेरी आ बस 4:30 पास्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं मेरे साथ रहेगा शादी के लिए परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए और ऐसी कोई बात जो आप बार बार करते हैं अपने घर में और बार बार मार खाते हैं ऐसी कौन सी बात जो आप बार बार करते हैं जेएस लिखेंगे स्पेसिंगे और अपने मैसेज को सेंड करेंगे 4474741 पर और इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/radioawaz थैंक यू सो मच ओके ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर से वेलकम बैक वंस अगेन कॉल लेंगे अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम नौ बहार क्या हाल है ठीक हो ठीक है अंकल आप मैं भी ठीक हूँ बेटा मुझे अल्लाह का शुक्र है बेटा आज तो आपको छुट्टी है स्कूल से हैं जी हाँ काफी एंजॉय कर रहे हैं फिर आप प्रोग्राम है वाओ क्या खाया शादी में गोश्त कौन सा गोश्त खाया है ब्रेलर अच्छा का कैसा बना हुआ था फिर मजा आया जी अच्छा और कुछ कहना चाहेगा अभी मन नहीं करता खाने को हाय क्यों मन क्यों नहीं करता भाई उसने पेट भर दिया था हाँ उसने पेट भर दिया था अच्छा जी अंकल रात को करता हूँ ना तो मम्मी डांटती है कि दिन को क्यों नहीं करते अच्छा जी मुझे आपसे एक शेर सुनाना था हाँ बेटा सुनाओ आपकी आजकल की लड़कियाँ सुन पढ़ना आप कितनी आसान इंग्लिश में बात करती हैं अच्छा अंकल एक गाना सुनना हाँ बोलो वाजिद का प्लीज शेर सुना देना अंकल किसका वाजिद का सुना देना प्लीज वाजिद अली बगदादी ओके 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 बेटा ठीक है थैंक यू आपको बताता हूँ हाँ हाँ हेलो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी हाय अंकल हाय बेटा ओके अस्मा है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं मैं ठीक ठाक हूँ अस्मा आप ठीक हैं आप कैसी हैं बिल्कुल वो कहती है कि मेरा ऑपरेट होने जा रहा है तो प्लीज दुआ कीजिएगा ओके मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मेरे तमाम सुनने वालों की भी दुआएं आपके साथ हैं प्लीज दुआ कीजिएगा अस्मा के लिए ऑपरेट करवाने जा रही हैं वो किसका है ये नहीं पता ओके 4:37 पास्ट ओके आज सबा मरियम ने है हमारे साथ मैसेज किया हमें अब मेरे ख्याल से लड़की की एज 20 होनी चाहिए और लड़के की एज 25 होनी चाहिए इसका मतलब है कि मेरी एज बिल्कुल परफेक्ट है क्या बात है आपकी एज बिल्कुल परफेक्ट है आप शादी कर लें अच्छी बात है आज जनाब अब तो बड़े हो चुके हैं कभी मार नहीं पड़ी घर से प्यार से भी कभी नहीं पड़ी अच्छा प्यार से कभी कभी पड़ जाती है और ऐसा काम ही ना करो जिसकी वजह से आपको मार पड़े कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जब बंदा कोई काम नहीं करना चाहता तो वो हो जाता है और जब हो जाता है तो मार पड़ जाती है ना ईमान मलिक हमारे साथ वो कहती हैं कि शादी के लिए परफेक्ट एज जो है वो 20 होनी चाहिए और आई थिंक यही बेस्ट है जी हाँ यही बेस्ट है हो सकता है अगर आप कह रही हैं तो लेकिन आपसे मैंने पूछा है आप मुझे बता रहे हैं कि शादी के लिए परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और इसके अलावा ऐसी कोई बात जो आप बार बार करते हैं अपने घर में और आपको बार बार अपने घर से मार पड़ती है वो ऐसी कौन सी बात है ऐसी कौन सी बुरी आदत है आपकी जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहे लेकिन उसकी वजह से आपको बार बार मार पड़ रही है और आप बार बार आबिद अली हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ब्रदर आप फैसलाबाद से हमें सुन रहे हैं आबिद वो कहती है कि यार मेरी यही तो काफी टाइम हो गया है 30 हो चुकी है 30 होने वाली है लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही मुझे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा यार इसलिए
अब मैं यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते करवाने तो नहीं आया, लेकिन आपसे पूछना जरूर है मैंने. ओके, थैंक यू सो मच आबिद, आपका मैसेज मैंने शामिल किया, आपने मैसेज किया, आपने ट्यून किया 105 ट्यून किया, थैंक यू सो मच. ओके गाइज, 4:39 पास्ट, एक और गाना सुनते हैं, गाने के बाद लौट के आते हैं, मेरे साथ रहिएगा और फिर से. एक्चुअली हो जाता है जब आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सॉन्ग के ऊपर पाबंदी है, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है, सो हम नहीं प्ले करते. जब आप हमें बार बार कहते हैं तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि हम प्ले नहीं कर सकते. हो जाता है, कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको पाकिस्तानी म्यूजिक सुनना पड़ेगा. अच्छा म्यूजिक है, थोड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है. उनकी तरह हम चबले बिल्कुल नहीं मारते, हाँ जो भी हम गाते हैं अच्छा गाते हैं, और हमारा जो भी म्यूजिक आता है अच्छा आता है, लेकिन जरूरी ये होता है कि आप जो भी सुन रहे हैं आपके लिए अच्छा होना चाहिए. ऑल राइट, 4:44 पास्ट, 4:44 पाकिस्तान का मेरी वक्त सॉन्ग के फौरन बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट के आऊंगा, मेरे साथ रहिएगा. शादी के लिए परफेक्ट एज, और ऐसी मार आपने जो खाई अपने घर से, कोई ऐसी आपको, आपकी कोई ऐसी बात जो आप बार बार बोलते हैं और आपके घर वालों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आपकी वो आदत आप मेरे साथ शेयर करेंगे, जेएच लिखेंगे, स्पेसिंगे, सेंड करेंगे 4471 4471 पर. अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेरे साथ रहेगा और सुनते रहेगा 105 FM पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो नेटवर्क, रेडियो आवाज. ब्रेक के बाद फिर से स्टे ट्यून पाकिस्तान की बिजनेस. राइट, वेलकम बैक वंस अगेन वेलकम बैक, थैंक यू सो मच आप लोग साथ रहे, आप लोगों ने ट्यून रखना 105 FM. और खासतौर पर जब हम ब्रेक पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग इसे ये कह रहे होते हैं कि यार ये ब्रेक इतनी लंबी क्यों हो गई है यार, थोड़ी कम होनी चाहिए थी. लेकिन कोई बात नहीं जना, पाकिस्तान में मसले तो जल से बहुत होते हैं, और इन मसलों को फेस करने के लिए कौन है हमारे साथ, कॉलर है, कॉलर कहां से है जानेंगे हम और पूछेंगे कौन कहां से. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ. आबिद, आबिद क्या हाल है, ठीक हो जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. आबिद, हाँ मैं ठीक हूँ आबिद, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी. टॉपिक सुना होगा आपने? जी जी बिल्कुल टॉपिक सुना है जी. अच्छा, मैं क्या तो यही कहना चाहूंगा कि मेरे घर वाले मेरी शादी की बात भी सुनते हैं, बाकी सारी बातें सुनते हैं. क्यों, ऐसी कौन सी बात है जो आओ, क्यों कोई ऐसी आप में कोई बात होगी जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं करवा रहे? काम वाम करते हो क्या? काम करते हैं आप? बस यही काम करता हूं. कौन सा? हेलो, मार्केटिंग का काम करता हूं. मार्केटिंग का काम करते हैं, वाओ, कौन सी मार्केटिंग करते हैं? स्टीलमैन कंपनी में. वाह, स्टीलमैन, क्या बात है, बहुत आला, अच्छी कंपनी है. तो कैसा जा रहा है आपका काम शाम, ठीक है? ठीक हो गया आबिद. अच्छा, आपको मतलब आपके घर वाले आपकी बात नहीं मानते जब आप कहते हैं कि मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. ये तो बहुत बुरी बात है. एज क्या है आपकी? हेलो जी जी, हाँ मैंने कहा आपकी एज क्या है, क्या उम्र होगी? ये 24 साल का शहजादा, ठीक है, परफेक्ट है, शादी कर लो यार. यार कहेंगे तो करूंगा. बात सुनेंगे तो फिर ही है ना, वो बात सुनते ही नहीं है. अच्छा ठीक हो गया, आपकी बात नहीं सुनते. आप में कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आपकी बात नहीं सुनी जा रही? ये तो मुझे नहीं पता यार, कौन सी बात है, रात को बैठ के सोचना, पता चल जाएगा. ठीक हो गया. और दूसरे टॉपिक के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसी बात है आप में, कोई ऐसी आपकी आदत जिसकी वजह से आपको घर में मार पड़ती रहती हो? यार ऐसी तो कोई आदत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है. अच्छा, हाँ अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई आदत. ठीक हो गया, मतलब कि मार कभी नहीं पड़ी? नहीं नहीं, मार कभी, सब प्यार करते हैं, बस शादी की बात नहीं कोई सुनता. अच्छा चले ठीक है, मैं दुआ करूंगा कि आपके घर वाले आपकी शादी के लिए मान जाए. और लड़की वड़की देख रखी है क्या? थैंक यू सो वेरी मच. हेलो जी जी, आबिद मैंने कहा लड़की देख रखी है कि नहीं?
लड़कियां तो बहुत हैं यार, शादी के लिए कोई नहीं मानती। बस बच्चिया फिर तेरे च कमी है। ठीक है जनाब, मेहरबानी, शुक्रिया। All right, 4-5 to 5 आबिद हमारे साथ फैसलाबाद से। बहुत सारी हैं लेकिन शादी के लिए कोई नहीं मानती, वही बात है ना कि कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से आपके घर वाले आपकी शादी के लिए राजी बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके जनाब, 4-5 to 5 एक गाना सुनते हैं और गाने के बाद लौट के आते हैं। मेरे साथ रहिएगा और सुनते रहिएगा 4-5 FM, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा, जी हाँ सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो नेटवर्क। ये मैं नहीं, ये आप कहते हैं जब आप सुनते हैं, तो डेफिनेटली जब हमारी रेटिंग बढ़ जाती है तो हमें भी पता चल जाता है कि जी हाँ हम आगे हैं दूसरों से। बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का जब आप ट्यून करते हैं, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज्यादा शुक्रिया जब आप हमें प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की चाहत है। पी जाओ ये नम, पी जाओ ये नम। फरहान सईद, एक और सॉन्ग सुनेंगे फरहान सईद का, और क्योंकि अभी 4:57 हो जाते हैं, मैं सोचा कि आपके लिए एक और सॉन्ग प्ले किया जाए फरहान सईद की आवाज में, और उसके बाद जब मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा तो जब मैं वापस लौट के आऊंगा तो फिर मैं आपके मैसेज शामिल करूंगा। उससे पहले आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, शादी के लिए परफेक्ट एज और कोई ऐसी बात जो आप बार बार करते हैं, ऐसी कोई हरकत जो आप बार बार करते हैं जिसकी वजह से आपको अक्सर घर से मार पड़ जाती है, और मैच का हाल वाल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज का मैच हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम विन करेंगे तो काफी टाइम के बाद हम न्यूजीलैंड से सीरीज विन करेंगे। 64 स्कोर हुआ चाहता है पाकिस्तान का और 14वां ओवर जा रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लगता है कि आज काली जुबान वाले चुप हैं, काली जुबान वाले आज चुप हैं। थैंक यू। ओके, गाना है, गाने के गाइस ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं और आप मेरे साथ रहिएगा। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, टाइम चेक एंड कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं जाना और
मेरे साथ साथ रहना है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और हम मैच को एंजॉय करेंगे साथ साथ और इस पे डिस्कस भी होती रहेगी, लेकिन आज शादी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है यार, अगर आप 30 साल के हो जाते हैं और 30 साल के बाद आपको कोई कहता है कि यार नहीं हूं नहीं हो सकती थोड़े ना शादी पाई, थोड़ी बड़ी एज होगी, थोड़ी बड़ी उम्र होगी, तो उसके बाद बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता, आप बंदा बुढ़ा हो जाता है। मुकद्दस अली, मैं आपका मैसेज जरूर नोट करूंगा, लेकिन अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से मेरे साथ रहेगा और सुनते रहेगा 105 FM, या स्टे ट्यून पाकिस्तान, कीप लिसनिंग। All right, welcome back once again, 5:13 past 5:13। माशाल्लाह मेरे अभी हसन जहांगीर जो सॉन्ग पहले चल रहा था, हवा हवा, हसन जहांगीर और उसके साथ थी गुल पांड्रा। वीडियो काफी काफी मजे की है यार, हसन जहांगीर कमाल कर देता है यार। ओके हाँ जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल पता है मारुख मारुख शेख, बच्चे अंकल कहने लग गए हैं आपको, आप तो आप कर ही लें भाई शादी। हाँ बिल्कुल कर लूंगा मैं शादी, लेकिन हो जाएगी यार, दुआ कीजिए। हाँ शहजील खान हमारे साथ कहती है कि जब अच्छा पार्टनर मिल जाए बिटवीन 25 to 13, 32 से ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए शादी। हाँ बिल्कुल, मेरा भी माइंड यही कहता है कि 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए यार, 30 के राउंड अबाउट आप कर लें। 25 से 30 के दरमियान अगर आपकी एज है तो परफेक्ट एज है, आप शादी का, आपको शादी कर लेनी चाहिए। और इकरा मानूर माय साहब कहते हैं कि 25 बेस्ट है, कर लो शादी यार जी। ओके जी कर लूंगा जनाब, आप बहुत ज्यादा सजेशन आ रहे हैं आज मुझे कि मैं शादी कर लूं। मोहम्मद अवैस, जब इंसान बालिग हो जाता है, बिल्कुल मैंने आपका मैसेज पहले शामिल किया है। और मुकद्दस सलीम माय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहिर भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूं, मुकद्दस साहब कैसी हैं? भाई शादी तो इंसान ना करे तो अच्छा है, वैसे परफेक्ट एज 22 या 32 होनी चाहिए। व्हाट 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 22 और 32, 10 साल, एक बताओ यार, 32 होनी चाहिए ना, ज्यादा हो जाएगी ना। अच्छा बाकी बहुत जिद की वजह से मार पड़ी घर में, पहले भी अब भी, लेकिन जिद का अपना मजा होता है। ताहिर भाई बिलाल सईद का सॉन्ग बारिश भी सुना दो, डेडिकेट माय लवली सिस्टर वफा अरूज राणा। ओके राणा जी ठीक है। एक कुड़ी मेरे को भजी भजी आई, कहती राणा साहब यू आर सो ब्यूटीफुल, हाय जनाब। जैनब हमारे साथ, जैनब ने भी ज्वाइन किया झंग सिटी से। अस्सलाम वालेकुम डियर आरजे। वालेकुम अस्सलाम डियर सिस्टर। ओके जैनब कहती हैं कि फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम सुना है, थैंक यू सो मच जैनब। अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप, अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं पता था यार, थैंक यू सो मच बताने के लिए, अच्छा है यार मुझे भी पता चलना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हम आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा शौक से सुनते हैं, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं जब आप प्रोग्राम के लिए नहीं आते, लेकिन हो जाता है। ओके अर्षद भट्टी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रदर, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, कोई गाना सुना दीजिए। ओके ओके ट्राई करते हैं ब्रदर। नसरीन है हमारे साथ, नसरीन वेलकम 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 ब्रदर, वेलकम ब्रदर, प्रोग्राम के ऊपर बात करो यार, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक कॉलर थे हमारे साथ ऑफ एयर, गोजरा से मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा कौन बात कर रही है, मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा यार नाम बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि चलें आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो कोई फेक नाम बता दे, मैं क्या आपके, कैसे मैं आपकी कॉल शामिल करूं। ओके कहती है कि मुझे तो कभी मार नहीं पड़ी घर से, लेकिन छोटे भाइयों को बहुत बार पड़ी है, बहुत बार समझाया उन्हें कि यार ये ना करो वो ना करो, लेकिन वो है कि अपनी जिद के ऊपर जब अटक जाते हैं तो उनको बार पड़ जाती है। ओके जनाब बहुत मैंने मैसेज शामिल कर लिए आपके, बहुत मैसेज शामिल कर लिए, लेकिन मुझे ये भी याद करना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए कि मुझे ब्रेक भी प्ले करनी होती है यार। ओके गाइज ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापिस आते हैं, मेरे साथ रहिए आवाज 105 FM। फिर से ये सॉन्ग तो खैर खत्म हो गया और अभी मैं ब्रेक ही प्ले करता हूँ, इसको मैं दोबारा से प्ले करूंगा तनु,
کیونکہ ابھی بریک بہت زیادہ ضروری ہے. واپس آتا ہوں بریک کے فوراً بعد, میرے ساتھ رہیے گا. اس ایپ پر آفر حاصل کرنے کے لیے اپنی کارڈ ڈیٹیلز انٹر کریں اور ٹاپ اپ 100 کا واؤچر کوڈ استعمال کریں. ان سے لندن نے باپ اور بیٹے کے فیشن کو ملایا اور 35 برس بعد واپس لایا لندن ڈپارٹمنٹل سٹور. اوپننگ کی خوشی میں حاصل کیجئے اپ ٹو 50% کا بڑا ڈسکاؤنٹ. مینس اینڈ وومن شوز فلیٹ 50% آف. مینس اینڈ اگین ویلکم بیک. عزما حسن تھی ہمارے ساتھ آفر کالر. لائیو کال کرنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ پہلے ہی مجھے گھر سے بہت زیادہ مار پڑتی ہے تو میں لائیو کال نہیں کر سکتی, بس آف ایئر ہی اپنا بس اپنی سب باتیں شیئر کر سکتی ہوں. وہ کہتی ہیں اکثر مجھے گھر سے مار پڑتی رہتی ہے اور شادی کے لیے کہتی پرفیکٹ ایج جو ہے وہ 22-25 اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہونی چاہیے 25 سے تھوڑا پیچھے اور 20 سے تھوڑا آگے, 21-22-24-25 اس میں جو بھی بیسٹ ہو کر لینی چاہیے. اوکے تھینک یو سو مچ عزما حسن تھینک یو. اور اس کے علاوہ عائشہ خان ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عمیر جسوال اور قرت العین کا کوک اسٹوڈیو میں ایک سانگ ہے, وہ آپ پلے کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اوکے جناب میں ضرور پلے کروں گا آپ کے لیے گانا. آج کچھ سٹف اچھا نہیں ہے, سانگ کچھ اچھے نہیں ہیں. وہ جی ہاں مجھے بھی اچھا پتا ہے, جیسا بھی ہے آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور میرے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور اگر پاکستانی میوزک ہم سن رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نا یار. اوکے یار بہت ہو جاتا, امانت کو سنتے ہیں. شہزیل خان ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ میں تینوں سمجھاواں گی, سانگ پلے کر دیں. کس کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟ مائی ڈیئر سسٹر اس کا نام بھی تو بتاؤ نا یار. ہاں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی آواز میں سنا دوں, کیا بات ہے مزہ آئے گا نا. چلے آج میں آپ کو اپنی آواز میں سناؤں گا. شہزیل خان بھائی لسنر سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی. ہاں میں ضرور بتاؤں گا لیکن ابھی آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی ٹائم کافی ہے میرے پاس. شہزیل خان گھین ہے ہمارے ساتھ. عائشہ آصف کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے سانگ اور اس کو کہنا کہ مس یو یار بے وفا دوست. شاگول عاطف اسلم کا سانگ اچھے ہیں. اچھا عاطف اسلم کے سانگ اچھے ہیں. اوکے عاطف اسلم کے سانگ بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے. اور اس کا میں گانا آج پلے کروں گا شاگول عاطف اسلم کا آپ کے لیے ضرور پلے کروں گا. اوکے ٹیون رکھیں 105 ایف ایم اور میں تیرے سمجھاوا کہ میں ضرور سنگ کروں گا لیکن ابھی نہیں یار, لاسٹ پہ کچھ ہونا چاہیے نا یار, کسی چیز کا انتظار بھی کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز آپ کو تھالی میں مل جاتی ہے, پیش ہو جاتی ہے آپ کے سامنے تو مزہ نہیں آتا. اگر سرپرائز کر کے اگر کچھ آپ کو ملتا ہے تو اس کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے نا, ایسا بھی میں نے سنا ہے کہیں گجرات میں. اوکے جینیفر آن دی فلور پت بول یہ ہم سنیں گے اکٹھے بیٹھ کر اور ساتھ میں میچ کا کیا ہوا یہ بھی جانیں گے یار. 5:40 پاسٹ. ویلکم بیک ونس اگین. 5:44 پاسٹ 5:44 منٹ اور کیونکہ ابھی ٹائم ہو چاہتا ہے بریک کا, وہ بھی بہت ضروری ہے پلے کرنے میرے لیے اور میسج بھی بہت زیادہ ہیں اور میں نے کچھ آپ سے شیئر بھی کرنا ہے اور میچ کا بھی حال وال لینا ہے لیکن اس سے پہلے ہم بریک پلے کریں گے کیونکہ اس کے بعد کچھ جو ٹائم ہے بہت کم ہے اور جو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, میرے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں کسی چیز کا نالج ہونا چاہیے اگر وہ اچھا ہے. اگر وہ اچھا نہیں ہے تو کوئی گل نہیں جناب, پاکستان میں مسئلے تو جلسے ہوندے ہی نہیں, برداشت کرنا پڑے گا سر. اوکے عائشہ تھینک یو سو مچ. لیکن میں ابھی آپ کا میسج نہیں شامل کروں گا کیونکہ ابھی بریک پلے کرتے ہیں, بریک کے بعد لوٹ کے آتے ہیں. میرے ساتھ رہے گا اسٹے ٹیون پاکستان. پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ جو کہ اس وقت کھیلا جا رہا ہے آئی تھنک دبئی میں ہے, دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم. اور اس وقت پاکستان کا اسکور ہو جاتا ہے 130 دو وکٹ کے نقصان پر. 28th اوور چل رہا ہے, کالی زبان والی زبان بند اور امید ہے کہ آج پاکستان ایک اچھا ٹوٹل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور بالنگ آپشن میں دیکھا جائے گا کہ کون سا بالر آج اچھا پرفارم کرے گا اور اچھا پرفارم اگر کر جاتا ہے تو ہم بڑا ایزلی جیت جائیں گے. لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی بہت زیادہ اچھی ہے, امید رکھنی ہوگی اچھے کی کیونکہ جب آپ اچھے کی امید رکھتے ہیں تو اس کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہی آتے ہیں. جب آپ کسی کے بارے نیگیٹو سوچتے ہیں کہ نہیں یار اے نہیں ہونا تو واقعی نہیں ہوتا.
5:05 और सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट है हमारे पास. और ये गाना जो मुझे बार बार कहा जा रहा था, मैं तेरे समझावा की, और इसके लिए मुझे शहजील खान बहुत ज्यादा मैसेज किए कि आयशा आसिफ को डेडिकेट करते हैं, आयशा आसिफ को डेडिकेट करते हैं, और इसको बोल दें मिस यू सो मच, मिस यू, मिस यू, मिस यू सो मच. आपकी फ्रेंड आपको बहुत ज्यादा मिस करी आयशा. और करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनु समझावा की है ना तेरे बाजो लगदा जी. ओके आओ. वैसे मैं रात के मुकाबले में तो बिल्कुल नहीं गा सकता, वो उस्ताद और असी तो शागिर्द भी नहीं है कि सॉन्ग यार ठीक से प्ले नहीं हो रहा और मजा नहीं आ रहा इस सॉन्ग. मैं दोबारा से प्ले करता हूँ इसको. ओके ओके. राहत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, या ये अब ठीक है. ओके और रही बात शादी की, तो शादी के लिए परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए, मैंने आपसे पूछा. बहुत सारे मैसेज किए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 18 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 22, 25, 30 ठीक होता है. शादी तब कर लेनी चाहिए जब उसको लगे कि यार मैं ये रिश्ता निभा सकता हूँ, जब इंसान को लगे कि मैं अपना आप संभाल सकता हूँ और जिसको मैंने लेके आना है मैं उसको संभाल सकता हूँ, मैं उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. और अगर इंसान शादी कर लेता है 18 या 20 साल में, ठीक है कर लेते हैं आप शादी, लेकिन अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए अभी तक ठीक से, तो अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप अभी ठीक से स्टेबल नहीं हुए. हो जाए आप और अच्छा कारोबार करें, अच्छी जॉब करें, जब आपको लगे कि आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है उसके बाद आप ये स्टेप ले सकते हैं. ठीक है अगर आपकी एज 22 है, 20 है, 24 है या 25 है, ठीक है, लेकिन असल जो मेच्योरिटी है इंसान में तब आती है जब वो 25 का हो जाता है. 25 से लेके 30 तक ये मैं समझता हूं कि एक परफेक्ट एज है शादी के लिए और होना चाहिए. बाकी हर बंदे का अपना माइंड है. और दूसरा आपसे ये पूछा कि आप में ऐसी कौन सी आदत है, ऐसी कौन सी बात है जो आप बार बार करते हैं और आपको घर से हर बार मार पड़ती है. तो जब आप अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, भाइयों को डिस्टर्ब करते हैं, बहनों को डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं से जरूर पड़ जाती है. वैसे मुझे नहीं पड़ी, मुझे कभी नहीं पड़ी. हाँ जब मैं स्कूल लाइफ में था तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स थी, अब्बू मारते थे, काफी मार खाई है मैंने अपने अब्बू से और काफी खाई है. मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने मुझे नहीं मारा होता उस टाइम जब मुझे पढ़ाई से बिल्कुल नफरत थी, तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ता. एहसान है मेरे अब्बू का, एहसान है. 6 बज चुके हैं और आखिरी लिरिक्स आपके लिए मैं, और उसके बाद इजाजत चाहूंगा आपसे आज के लिए. इसको हम यहीं से पॉज करेंगे और थोड़ा सा मैं सुनाऊंगा फिर उसके बाद. मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन नुमाने, जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सीकर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की
हाय ना तेरे वाजो लगदा जी। ओके, तेरे वाजो लगदा जी और नहीं लगदा जी, और मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, अगर तुम समझदार हो तो तुम्हारे लिए इशारा ही काफी है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा इस दुआ के साथ कि हमारा ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और आपको ढेर सारा ऐसे ही इंटरटेन करता रहे। और आज के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए, अच्छा लगा तो भी बताना है, अच्छा नहीं लगा तो भी बताना है, और नहीं लगा तो कोई गल नहीं जनाब, इसी करके थोड़े को पैसे ले नहीं फ्री में सुनाया जनाब। ओके, दुआ में याद रखिएगा क्योंकि आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।